नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला तिवारी, स्त्री रोग के विशेषज्ञ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अल्ट्रासाउंड। उसका सेफ्टी कितना होता है प्रेगनेंसी में, किस किस तरह का अल्ट्रासाउंड होता है, कब कब कराना चाहिए, क्या ये मेरे बच्चे के लिए या मदर के लिए सेफ है या नहीं, इस सब टॉपिक पे वन बाय वन हम मूव करेंगे। अल्ट्रासाउंड के सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें, अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक ऐसा मशीन है जो साउंड वेव्स पे काम करता है और इसका जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो हम प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं वो काफ़ी सेफ होता है, बोथ फॉर द फीटस एंड ऑफ कोर्स द मदर। दो तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जो हम प्रेगनेंसी में यूजुअली करते हैं या वुमेन में करते हैं, महिलाओं में। एक होता है ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, यानी पेट से जो हम देखते हैं, और दूसरा ट्रांस वजाइनल, जो हम नीचे की तरफ से देखते हैं जहाँ से महीना आता है। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पेशेंट तो कराना चाहते हैं, लेकिन ट्रांस वजाइनल में पेशेंट डर जाते हैं कि मैडम कैसे होगा, दर्द तो नहीं करेगा। ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी में जो प्रोब होता है वो छोटा सा प्रोब होता है और उसको सर्विक्स तक, यानी एकदम अंदर नहीं ले जाते हैं, बाहर की तरफ यानी वजाइना की तरफ बस रख करके हम प्रोब से देखते हैं कि यूट्रस कैसा है, ट्यूब्स कैसे हैं और ओवरीज कैसे हैं। तो ये डिफरेंस होता है TVS यानी नीचे वाला अल्ट्रासाउंड और ऊपर वाला यानी ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। नेक्स्ट, पेशेंट को लगता है कि मैडम अगर प्रेगनेंसी है तो TVS अगर हम करा रहे हैं, आप TVS क्यों बोल रहे हैं, ऊपर से करवा लेते हैं अल्ट्रासाउंड। TVS का स्पेशलिटी ये होता है कि अगर छोटा सा भी प्रेगनेंसी है तो मैग्नीफिकेशन इतनी ज़्यादा होती है नीचे से कि वो पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, बट ट्रांस एब्डोमिनल में ऐसा नहीं है, उसका मैग्नीफिकेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए हम अक्सर जो पेशेंट अर्ली प्रेगनेंसी में आते हैं या जिस पेशेंट का ब्लीडिंग होता है, हमको रूल आउट करना होता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, हम पेशेंट को ट्रांसवजाइनल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करने से ब्लीडिंग बढ़ जाएगा या फिर पेशेंट का अबॉर्शन हो जाएगा, ये एक मिथ्या है। अब जब अल्ट्रासाउंड के लिए हम जाएँ तो क्या क्या तैयारी करें, क्या खाली पेट जाएँ या खाना खा के जाएँ। सबसे अच्छी बात है प्रेगनेंसी या फिर वुमेन वाले अल्ट्रासाउंड के बारे में कि हमारे को यूट्रस देखने का है, यूट्रस नीचे रहता है, तो अगर हम खाना खा के जाते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पानी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको ऊपर से करवाना है, अगर हमारे डॉक्टर साहब ने ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी दिया है तो हम 1 लीटर पानी पी के जाएंगे एटलीस्ट 40 मिनट पहले, ताकि हमारा जो ब्लैडर है वो फुल रहे। मगर अगर डॉक्टर साहब ने लिखा है TVS यानी ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, तो हम पेशाब करके जाएंगे, यानी हमारा जो ब्लैडर है वो पूरा खाली करके जाएंगे ताकि नीचे से जब हम प्रोब दें तो सब कुछ आराम से नज़र आए। तो कुछ खास प्रेपरेशन नहीं करना होता है गायनी ऑप्स में अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए, आप खाना खा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम एंड द गाइडलाइन इज़ ऑल अबाउट वाटर, वाटर इनटेक कितना करना है, ऊपर से यानी पानी भर भर के पीना है और नीचे से तो पेशाब करके जाना है। अब कितने बार अल्ट्रासाउंड कराना है, यूजुअली अगर कोई डिफ़िकल्टी ना हो तो प्रेगनेंसी में 3 बार अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। पहला, जैसे ही हमें पता चले कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गया है, यानी 2 लाइनें आई हैं UPT किट में। दूसरा, जब हमारा बच्चा 5वें महीने का हो जाता है, यानी कि 18 to 22 weeks। और तीसरा यानी कि Level 3, जिसको हम 32 weeks पे करते हैं, यानी कि 8वें महीने पे, सिंपल शब्दों में। तो फिर क्यों भाई, पहला अल्ट्रासाउंड का क्या फ़ायदा, दूसरा का क्या फ़ायदा, तीसरा का क्या फ़ायदा? देखिए, पहला अल्ट्रासाउंड हम इसलिए कराते हैं ताकि हम देख सकें कि जो प्रेगनेंसी आया है वो ठीक है या नहीं। प्रेगनेंसी में कितने प्रेगनेंसी है, 1 है 2 है, ट्विन है, ट्रिपलेट है, क्या है, क्या लोकेशन सही है प्रेगनेंसी का, कहीं उल्टे फुलटे जगह तो प्रेगनेंसी नहीं आ गया है, जिसको हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इस टॉपिक पर हम दूसरे वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। और चौथा, क्या बच्चे का हार्ट बीट आया है कि नहीं। ये हो गया पहला स्कैन यानी Level 1। दूसरा स्कैन जिसको टारगेटेड या डिटेल स्कैन कहते हैं, जो हम 5वें महीने पे करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि बच्चे का ढांचा ठीक से फॉर्म हुआ है कि नहीं, यानी सिंपल शब्दों में उसकी 2 आँखें हैं कि नहीं, 1 लिप्स है कि नहीं, 2 लंग्स है कि नहीं, 2 कान है कि नहीं, 5 उंगलियाँ हैं कि नहीं, 2 किडनी है कि नहीं, यानी हम सारे ऑर्गन्स को 1 by 1 देखते हैं कि हमारा बच्चा ठीक फ्रेमवर्क में फॉर्म हो गया है, ताकि एट द एंड ऑफ 9 मंथ वी शुड हैव अ हेल्दी बेबी, कोई एनामली नहीं हो, कोई रिटार्डेशन ना हो। इसको बचाव करने के लिए हम 5वें महीने का स्कैन करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा स्कैन जो होता है वो होता है 8वें महीने पे, यानी 32 वीक्स पे। ये स्कैन क्यों होता है, अब हमारा बेबी फॉर्म हो चुका है, हमने देख लिया कि हेल्दी बेबी फॉर्म हो रहा है, बट क्या बेबी का वेट ठीक है 8वें महीने तक। अगर डिलीवरी 9वें महीने पे है यानी 9 मंथ्स पे है, तो वी हैव टू सी कि 8 मंथ तक कम से कम उसका 2 kg हुआ है कि नहीं।
बेबी का सिर किधर है, नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ, ताकि हम फैसला कर सकें कि नॉर्मल डिलीवरी लेंगे या अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो सीजर की तरफ जाना पड़ेगा। तीसरा, उसका प्लेसेंटा कहाँ है, फूल नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। चौथा, पानी कितना है, कम है या ज़्यादा, यानी लाइकर कम तो नहीं है, क्या हम एक महीने और प्रेगनेंसी खींच पाएंगे। इसके अलावा बच्चा ठीक से सांस ले रहा है कि नहीं, यानी कलर डॉपलर, माँ को मूवमेंट समझ आ रहा है, माँ को समझ आ रहा है कि मेरा बच्चा हिल डुल रहा है। आपने देखा हार्ट बीट भी बढ़िया है, लेकिन कुछ एक सटल साइंस होते हैं हाइपोक्सिया के, यानी कि सांस कष्ट के, जिसको हम लोग कलर डॉपलर से चेक करते हैं, पहले एंटिसिपेट कर लेते हैं कि भाई 2 सप्ताह में 3 सप्ताह में हमारा बीबी कैसा रहने वाला है। तो ये होता है 8 मंथ या 32 वीक्स पे। सो फाइनली दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ स्कैन इन अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा जब हमको ज़रूरत पड़ती है प्लस माइनस अल्ट्रासाउंड्स के स्कैन होते रहते हैं। एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, पानी कम आ गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, प्रेशर का पेशेंट है, हम ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। ऐसे प्रेगनेंसी को हम 3 अल्ट्रासाउंड पर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मोर ओवर अल्ट्रासाउंड सेफ है हमारा, हमें कैसे ऊपर से पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। सो और भी अल्ट्रासाउंड स्कैन्स ऐड किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, और हर एक पेशेंट कस्टमाइज होता है, हर एक पेशेंट का डिफरेंट प्रेजेंटेशन होता है, डिफरेंट आउटकम्स होते हैं, सो वी हैव टू कस्टमाइज आवर पेशेंट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।